दोस्तों बेबी का ध्रुवे को जब पता चला कि अब्दुल रोजी शादी कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो रिएक्ट करती हुई नजर आई। सबसे पहले तो उन्होंने यही श्रेय ले लिया कि भैया मैंने ही प्रिडिक्ट किया था कि वो शादी करने वाले हैं। आप खुद ही सुने उन्होंने क्या कहा। आपके प्रिडिक्शन भी नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। वी रिसेंटली गॉट अ न्यूज अबाउट अब्दू। व्हाट्स योर प्रिडिक्शन, क्या कुछ आपको कहना है? वेल ऑफ कोर्स यस, आई प्रिडिक्टेड दैट अबाउट अब्दू फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम इन द बिग बॉस हाउस एंड आई एम सुपर प्राउड कि मेरा प्रिडिक्शन पूरा हुआ है एंड धीरे धीरे और बहुत कुछ सच बाहर आएंगे जो जो मैंने प्रिडिक्ट किए थे होपफुली एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है यार शादी एंड एक स्टेपिंग स्टोन होता है तो होपफुली आई व्हाट आई रियली बिलीव इज हिज आउटस्टैंडिंग सोल ही विल मेक द बेस्ट बेस्ट हस्बैंड। ओके बेबी, का आपके प्रोजेक्ट के बाद हालांकि अभी तक अब्दुल रोजीक ने ज्यादातर लोगों को इनविटेशन नहीं भेजा है लेकिन बेबी का यहाँ खुद को इनवाइट करने की बात करती हुई भी नजर आई। अब्दुल रोजीक के लिए वो कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे को इमराती वेडिंग देखनी है और इसी वजह से मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी इमराती हैं, मैं देखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अब्दू मुझे शादी में बुलाए। होपफुली अब आपका वीडियो देखने के बाद क्या पता वो मुझे बुला ले। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अब्दू रोजी यहाँ बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे उनको शादी में? कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो। अरे मेरे बोलने पे हुआ है यार, मैं कैसे नहीं देखूंगी। लव टू गो, मुझे बहुत अच्छा लगता है एमिरेट्स एंड अमीराती वेडिंग्स। तो मेरे बहुत अमीराती फ्रेंड्स भी हैं तो उनका कल्चर, खाना, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस आई रियली लव। तो आई जस्ट होप ही इनवाइट्स आफ्टर मैसेज भेजे उसे कि मुझे इन्वाइट करें। थैंक यू, बाय बाय।